जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपके मन में जो डाउट है साफ देखिएगा, हम 2 घंटे के अंदर 160 प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, अभी जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसी में आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक है आप पेपर में डगमगा जाएंगे। ये जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अभी अभी आएगा, जब आप यहां पर कर लेंगे विद इन 2 घंटे से पहले आप पेपर को कर लेंगे तो आप डैम श्योर वहां पर जो लास्ट की बचेंगी 15 मिनट, उस 15 मिनट में भी ना आप आराम से 6-7 प्रश्नों को कर सकते हैं। ये मेरे साथ में स्पेशल हुआ था, मैंने अपने रूम के अंदर दूसरे कमरे से घड़ी मंगवा के रखवा ली थी। आपको भी ऐसा ही करना है। मुझे पता था कि हम अपने घर पर 2 घंटे से पहले, मतलब 1 घंटा 40 मिनट, 45 मिनट में, 50 मिनट में पेपर पूरा कर लेते थे, तो स्वाभाविक है वही कॉन्फिडेंस जो था वो पेपर में काम आया। और वहां पर दूसरे कमरे से हमने घड़ी को मंगवा लिया कि मैडम ये घड़ी आप इस कमरे में रख दीजिएगा, तो उन्होंने रखा। और घड़ी का रखना बहुत जरूरी है, आप समय देखते रहेंगे आपकी हिम्मत बढ़ी रहेगी। और साथ ही में देखो, 2 घंटे के अंदर पता है पेपर कैसे होगा जी? देखिए, जब आप पेपर लगाने जाएं तो वहां पर आप देखेंगे, और ऐसा हर पेपर में हुआ था वही मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर आपको रीजनिंग के 14-15% एकदम नए पैटर्न के देखने को मिलेंगे। जहां पर भी आप एक बार पेपर को स्टार्ट कर दिया, ऑफलाइन होगा मजेदार, कोई दिक्कत नहीं, पेपर आपके हाथ में होगा जी, कहीं से भी चालू कर दीजिएगा, तो आपको जहां भी लगे कि ये बड़ा पोर्शन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े, मतलब पूरा कैलकुलेटिव टाइप है और बहुत ज्यादा जो रीजनिंग का एकदम भाषा दे रखा है और उसका आपको जवाब देना है, तो उनको तुरंत छोड़ दीजिएगा, उनको स्किप कर दीजिएगा। मैं आपको सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं, वो आप छोड़ देंगे ना तो लास्ट के 5 मिनट में भी उन सवालों को कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल आता है, आपको एक आपको कोई कथन दे दिया जाएगा, एक सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए इसमें आप क्या करेंगे, तो 4 ऑप्शन होते हैं, उन्हें आप पढ़ करके डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। मेरे साथ के दोस्त जो धौलपुर से और इधर से जो है वो एटा इटावा से संबंध रखते थे, वो मेरे साथ पढ़ते थे और उन्होंने जब पेपर दिया वो फेल हो गए। मतलब रीजन क्या था, उन्होंने पूरा 160 प्रश्न ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 160 न कर पाने का मतलब ये रहा कि जब वो बीच में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ गए थे ना, 15 क्वेश्चंस, उनमें ही वो फंस गए थे, पूरा पेपर नहीं हो पाया 2 घंटे के अंदर। तो ऐसा नहीं करना है आपको भाई, जब भी आप अगर घर पर भी लगा रहे हैं, आपको लग रहा है ये टॉपिक मेरा डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होता है और ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, तो उसको थोड़ा छोड़ दीजिए ना, बाद में उसे देख लेना। अब देखो, उन 15 क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के जो बहुत आसान सवाल थे उनको भी उन्होंने गलत कर दिया, वो छोड़ ही दिए जी, गलत करना तो बात है, बाकी पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा मतलब क्वेश्चन आप देखिएगा, भले ही आप 140-150 करिए सही, लेकिन आप पूरा पेपर देख लीजिएगा ना, पूरा पेपर ऐसे ही देख पाएंगे, जहां पर भी आपको ज्यादा बड़ा दिखे या फिर समझ में नहीं आ रहा है तुरंत स्किप मारिएगा। शुरुआत में हिंदी का देखिएगा, हिंदी का जो एक गद्यांश आता है उसे पढ़ लीजिएगा, लग रहा है ये बहुत बड़ा है और थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, सीधे स्किप मारिए, आगे बढ़ जाइएगा। 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, आगे 6वें क्वेश्चन से सीधा धकाधक। और हिंदी का मैं आपको बता रहा हूं, विद इन 10 मिनट के अंदर पूरा हिंदी का पेपर कर देंगे, गद्यांश के 5 प्रश्न को छोड़ करके, मात्र 2-4 मिनट जो आपको गद्यांश में लगेगा। हिंदी में तो ऐसा लगेगा वाह वे वाह, देखो पेपर तो एकदम हो गया। तो विशेषकर आपको ये वाला आपको जो है थोड़ा तरीका अपनाना है, जब आप पेपर हॉल में बैठे घड़ी मंगा लेना, कोई कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं, किसी को बताना नहीं है, सिर्फ अपने पेपर पे ही ध्यान देना आपको, कोई कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं, बताना नहीं आपको, ठीक है। और साथ ही में देखो, लास्ट के जो 15 मिनट बचते हैं ना, आपको 1 घंटा 45 मिनट पर आपको वेल सुनाई देगी, और उसके बाद में ना आप ऑलरेडी भाई साहब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई किया हुआ तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं। घर पर अगर आपने 2 घंटे से पहले पेपर को कर रखा है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वहां पर काम आएगा। सही बता रहे हैं, हम भी जो है लास्ट 15 मिनट में एकदम क्या बताएं, डामाडोल स्थिति हो गई थी। उसके बाद हमें लगा यार क्या करें, अभी तो क्वेश्चन सारा 160 मार्क्स जो सवाल है वो भी नहीं देख पाए। उसके बाद स्पीड हमने बढ़ाया, मात्र 2 मिनट के अंदर हमने 15 क्वेश्चन वो एकदम साइड में कर दिए थे, जो हमको लग रहा था ना ये क्या है समझने की बड़ा दिक्कत आ रहा था, मात्र 2 मिनट के अंदर बस पढ़ना ही था, डायरेक्टली जवाब देना था, पढ़ना था जवाब देना था, तो जो मतलब 15 में से हमारा 13 सही था, 2 गलत हो गया था। तो वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, जो आपको पहले समझ में आता जाए, चाहे वो किसी पोर्शन का हो, बस आप करते जाइएगा, यही एक अच्छी रणनीति है। साथ ही में किसी को बताना नहीं है, और यहां पर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे मेरे भाई, वो आप पूरा कोशिश करिएगा कि स्पीड से सवाल जाए, स्पीड से आप पढ़ें उन चीजों को, और साथ ही में 2 घंटे से पहले जो आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं तो बेहतर होगा। नहीं तो आप वहां पर, पहली बात तो ना, अगर आप घर पर भी 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट के अंदर अगर पेपर लगा रहे हैं तो भाई वहां पर जो प्रेशर आएगा ना, हम बता रहे हैं आपको, लास्ट का आपका 10 मिनट तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। और शुरुआत में स्पीड आपको दबा के रखनी है, मतलब बिल्कुल भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करना आपको,
साथ ही मैं आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि बेहतर तैयारी करने के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड मार्केट में लॉन्च कर दिए। इस स्टडी गाइड के अंदर 2100 से ज्यादा जो आपको वो आपको अध्ययनवार जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको पूरा टॉपिक समझाया गया है, उसके बाद में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और साथ ही में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का भी समावेश यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अग्रवाल की जो स्टडी गाइड है पूरा एकदम कंबाइंड पैकेट है जी, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको देखो हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, करंट अफेयर, वो सारा का सारा आपको पूरा टॉपिक सिलेबस वाइज आपको पढ़ाया गया है। देख सकते हैं ना 2100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बड़े ज्यादा संख्या होती है। तो बेहतरीन बुक है, स्टडी गाइड आप बाय कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए इन्होंने अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने क्वेश्चन बैंक भी जो है मार्केट में लॉन्च किए, तो क्वेश्चन बैंक भी जो है आप उसे बाय कर सकते हैं। साथ ही में देखो 2009 से अब तक जितने पेपर हुए हैं उन सब में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे 3200 से ज्यादा जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। आपको पूरा प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। तो पहले आप स्टडी गाइड पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जो भी टॉपिक पढ़ा उसी का आपको जो है वो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए सवाल हैं टॉपिक वाइज हैं उनको आप लगाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। लास्ट ईयर में पूछे गए सभी सवाल टॉपिक वाइज वहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपका सामान्य ज्ञान, विज्ञान, हिंदी और आपका मैथ, रीजनिंग, ये सब जो है उस सब के जो है क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं इसे। नजदीकी बुक स्टोर पर जाइए एंड बाय कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, बहुत सस्ती किताब है। थैंक यू।